हेलो एंड आई वेलकम ऑल माई डियर लवली स्टूडेंट्स अब मैं यहाँ पे वेलकम स्पेसिफिकली क्लास टेंथ के वो स्टूडेंट्स दोज आर गोइंग टू गिव देयर एग्जाम फ्रॉम राजस्थान बोर्ड आई एम वेलकमिंग दैम वाई बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव कैसे होने वाला है क्योंकि क्या होता है कि अभी पिछले कुछ टाइम से हमारे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है दैट वी आर गेटिंग कन्फ्यूज विथ सिलेबस राइट सिलेबस का हमें इशू आ रहा है कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है क्या पढ़े क्या एलिमिनेट करें सो क्लास टेंथ आर बी एस सी स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मेरे पीछे लोगो है आपके बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान का बिल्कुल ऑथेंटिक जो है ये आपके लिए सिलेबस है और इसमें से क्या एलिमिनेट करना है क्या नहीं पढ़ना है सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर तो क्लास टेंथ आपका सब्जेक्ट कोड जो है स्पेसिफिकली हम यहाँ पर सोशल साइंस की ही बात करने वाले हैं कि सोशल साइंस में आपका सिलेबस क्या रहने वाला है इट इज़ अ वास्ट सिलेबस हम जानते हैं सोशल साइंस का सिलेबस जो है थोड़ा सा ह्यूज है सब्जेक्ट कोड है आपका एट तो जैसे कि आप जानते हो ये आपके स्कीम होने वाली है पेपर की है ना आपके स्कीम होने वाली है टोटल मार्क्स जो है आप देख सकते हो हमारी चार यूनिट्स होने वाली है सोशल साइंस के अंदर चार पेपर के अंदर ही हमारी चार यूनिट्स हैं हमें चार यूनिट्स के अकॉर्डिंग पढ़ना है तो नंबर वन हम जानते हैं हिस्ट्री है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड राइट दिस इज हिस्ट्री इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकेंड देन कंटेम्प्रेरी इंडिया विच इज ज्योग्राफी किड्स जो आपकी ज्योग्राफी है फिर आपका पॉलिटिकल साइंस है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड एंड देन अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच इज इकोनॉमिक्स का यूनिट ओके okay? तो इन सब यूनिट्स को अगर हम मिलाएं तो आपके मार्क्स कितने बनते हैं बच्चों ट्वेंटी ट्वेंटी इक्वली क्यों क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर जो होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी एटी मार्क्स ट इज गोइंग टू बी ऑफ 80 मार्क्स राइट पेपर आपका अराउंड जो है आ, पेपर का टाइम आपका थ्री आवर्स का रहेगा आपके सारे के सारे ये जो है यूनिट्स इसके अंदर आने वाले हैं। तो आप देख सकते हो कि सबका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है ये आर ने स्पेसिफाई नहीं किया है क्योंकि हम जानते हैं कि सिलेबस uh, जो है चेंज हुआ है फ्रॉम द लास्ट टाइम राइट वॉट इट वॉज लास्ट टाइम इट हैज़ बीन चेंज्ड नाउ तो जब वो चेंज हुआ है उसका ब्लू हमारे पास जो है जैसे ही आता है वी विल गेट यू दैट ऑल्सो अभी आपको सिर्फ यही समझना है कि आपके 2020 मार्क्स के ये चार यूनिट है 80 मार्क्स का आपका पेपर है 20 मार्क्स जो है आपके वो आपके सेशनल मार्क्स है वो आपके इंटरनल मार्क्स जाएंगे राइट तो अब आप जानते हो 100 मार्क्स का आपका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है जिसमें से 5 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट के भी हैं ओके अब मैप इसमें इंक्लूडेड है या मैप इसमें इंक्लूडेड है तो ऑब्वियसली मैप आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा तो मैप इज इंक्लूडेड इन दिस ओके सो लेट्स डिस्कस कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं अब बच्चा इसके अंदर एक स्पेसिफिक चीज बताऊ तो आपके ये जो बुक्स है जो अभी एनसीआरटी अपडेटेड है देखो तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाता है कि पुरानी एनसीआरटीज़ की जो बुक है उनमें कुछ चैप्टर्स कम ज्यादा है तो हमें उससे भी कंफ्यूज नहीं होना है हमें बिल्कुल लेटेस्ट एनसीआरटी बुक्स जो है वो लेनी है और अकॉर्डिंग टू आरबीएससी उसमें से आपका कोई भी चैप्टर रिड्यूस नहीं हुआ है अभी तक के लिए कोई भी चैप्टर इंक्रीज नहीं हुआ है जो भी आपका एनसीआर है दैट इज द सिमिलर ये सेम बुक्स है ठीक है तो अगर हम बात करें हिस्ट्री की तो आपके सेक्शन वन में फर्स्ट चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप जिसके अंदर हम पर्टिकुलर चीजें पढ़ने वाले हैं फ्रेंच रेवल्यूशन पढ़ने वाले हैं मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म

बहुत थॉरोली इसको पढ़ के आपको बता रही हूँ कि इसमें से कुछ भी जो है अभी तक के लिए डिक्रीज या इंक्रीज नहीं हुआ है स्पेसिफिकली जो बात याद करनी है सेकेंड चैप्टर आपको इसमें से कौन सा आने वाला है हिस्ट्री के पोर्शन में से नेशनलिज्म इन इंडिया जिसके अंदर आप पर्टिकुलर टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं फिर आपका अगर हम बात करें सेक्शन टू हिस्ट्री के अंदर आ जाता है लाइवलीहुड्स इकोनॉमीज एंड सोसाइटी ओके अब इनके अंदर से आपको जो है कोई भी एक थीम द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड पहला तो आपका ये है ओके okay. उसके बाद नेक्स्ट है आपका एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन दिस इज व्हाट हिस्ट्री इज ऑल अबाउट ये आपका हिस्ट्री का सिलेबस है है ना इसके अंदर अगर हम देखें तो पर्टिकुलरली आपका यहां पर प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड भी है अब आपकी क्या आ जाती है ज्योग्राफी के यूनिट यहां आपकी आ गई ज्योग्राफी दिस वॉज इसके पहले वाला प्रीवियस वाला हिस्ट्री ठीक है जोग्राफी अब जो कैच है ना जो एक थोड़ा सा ग्लिच है जो हमें समझना है वो जोग्राफी के अंदर है तो ध्यान रखना बिल्कुल बताने वाली हूँ रिसोर्सेज और डेवलपमेंट जो है बच्चों वो चैप्टर आने वाला है पूरा का पूरा ये इसके सब यूनिट्स है अब इनमें आपका जो भी रिसोर्सेज से रिलेटेड है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया फिर हमारी अलग अलग तरह के रिसोर्सेज लैंड रिसोर्सेज लैंड यूटिलाइजेशन ये सब इसके अंदर जो भी गिवन है आने वाला है ओके पढ़ना है हमें ऑल राइट नेक्स्ट आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आने वाला है ओके okay, पढ़ना है अब बच्चा थर्ड है आपका वाटर रिसोर्सेज अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि वाटर रिसोर्सेज जो आपका चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ जो आपके वाटर रिसोर्सेज है सिद्धांत जो हम कह सकते हैं ये आपका गिवन है कि ये चैप्टर जो है आपका पीरियोडिक असेसमेंट में इसको जो है ट किया जाएगा और बोर्ड में इसके मैप्स आएंगे ठीक है में में जो जो आपको board में इसके लिए जो जाएगा पढ़ना तो आपको है ही ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना है पढ़ना तो है लेकिन इसका इवेल्युएशन बोर्ड में नहीं होगा बोर्ड के एग्जाम में आपके जब बोर्ड का एग्जाम होगा फाइनल एग्जाम उसमें ये इवेल्युएट नहीं होगा उसके अंदर आपके सिर्फ इसके मैप्स आएंगे तो ऐसा भी नहीं है कि बोर्ड में ये पूरा आ ही नहीं रहा है इसके मैप्स आएंगे ठीक है तो मैप्स का हमें ध्यान रखना है स्पेसिफिकली कि आप अगर मैप्स आते है और आप कहते हो मैम ने तो कहा था कि ये चैप्टर आएगा ही नहीं तो याद रखना है कि मैम ने ये भी कहा था कि मैप्स आएंगे ओके हाँ जी तो आगे बढ़ते हैं तो यही पे था हमारा जो ग्लिच था वो यही था फिर आपका एग्रीकल्चर आना है ज्योग्राफी में मिनरल्स एंड एन एनर्जी रिसोर्सेज आना है इसके अंदर ठीक है आगे देखिए तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आ रहा है इनके अंदर अब ये सारे ही टॉपिक्स जो है ना इंटर रिलेटेड है ठीक है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आपने हिस्ट्री में पढ़ना है फिर वहां से आप थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंटरेस्ट लेकर जब ज्योग्राफी में देखेंगे तो मेकिंग ऑफ इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रीज अगर आप देखेंगे है ना तो आपको क्या आने वाला है बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि सब चीजें क्या है इंटरलिंक्ड है इकोनॉमिक्स में जाओगे तो भी ये टॉपिक्स आने वाले हैं तो ऑल आर इंटरलिंग तो जब मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये सिलेबस बहुत ह्यूज है इट इज़ नॉट दैट ह्यूज इट इज़ जस्ट इंटरमिंगल्ड एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इफ यू रीड इट प्रॉपरली अगर अच्छे से पढ़ते हैं फोकस करके पढ़ते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और टिप्स पे लर्न हो जाता है राइट सो वी विल भी प्रिपेयरिंग इट टूगेदर साथ में प्रिपेयर करेंगे नेक्स्ट है आपका इसमें लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी क्या क्या लाइफ लाइन्स होती है इकोनॉमी किस हिसाब से चलती है जोग्राफी के अंदर भी आपका ये पार्ट है क्योंकि इट इज़ इंक्लूडेड इन जोग्राफी रेलवेज पाइपलाइंस वाटरवेज एयरवेज रोडवेज ये सब जो है आने वाले हैं पढ़ने हैं कम्युनिकेशन इंटरनेशनल ट्रेड टूरिज्म एज अ ट्रेड है ना थर्ड यूनिट आपकी आ जाती है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स माय फेवरेट स्पेसिफिक फेवरेट वन ओके डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है क्यों क्योंकि यहाँ से हम सीखते हैं कैसे कैसे हमारी गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है कैसे गवर्नमेंट काम कर रही है तो यहाँ पर आपका फर्स्ट चैप्टर इंटरेस्टिंग इम्पॉर्टेंट Easy chapter है आपका पावर शेयरिंग से पढ़ते हैं ना तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी लगता है ऐसा लगता है है कि बहुत ही power sharing तो बहुत ही ही ज़्यादा तो लेकिन अगर इसको हमने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो फिर ये चैप्टर जो है हमें ऐसा लगता है क्या है पावर शेयरिंग कौन कर रहा है कैसे कर रहा है तो साथ में प्रिपरेशन करनी है हमें पावर शेयरिंग जो है आई मेक इट इजियर फॉर यू है ना केस स्टडीज इसमें हम पढ़ेंगे इसके अंदर क्या क्यों पावर शेयरिंग डिजायरेबल होती है क्या होती है अलग अलग फॉर्म्स है पावर शेयरिंग की वो भी हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर इज फेडरलिज्म रिलेटेड टू पावर शेयरिंग ओनली ओके बच्चा फेडरलिज्म क्या होता है uh, इंडिया के अंदर फेडरलिज्म सिस्टम है या नहीं कैसा है कैसे प्रैक्टिस होता है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया ये सब हमें पढ़ना है ओके डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी आपका थर्ड चैप्टर है के okay, इसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे कास्ट रिलीजन जेंडर इश्यूज कास्ट रिलीजन एंड जेंडर इश्यूज ये चैप्टर जो है ये भी काफी अच्छा इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेंडर एंड पॉलिटिक्स आएगा आपका इसमें रिलीजन आएगा कम्युनलिज्म आएगा पॉलिटिक्स आएगी कास्ट इन पॉलिटिक्स आएगी है ना नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मास स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट तो जितनी भी पॉपुलर स्ट्रगल्स है आउट ऑफ इंडिया हम वो भी देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन इनकी मोबिलाइजेशन ये सब देखेंगे प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं ये समझेंगे ओके वी विल बी स्टडिंग दिस फिर आता है आपका पॉलिटिकल पार्टीज ये तो हमें आना ही चाहिए ये तो हमारे लिए वैसे भी ये सारे चैप्टर्स हमारे लिए फॉर बीइंग अ गुड सिटीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए जो हो रही हैं हमारे आस ओके सो येस वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव नेशनल पोलिटिकल पार्टीज फिर स्टेट पार्टीज क्या है आखिर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं चैलेंजेस क्या है पोलिटिकल पार्टीज को वो हम पढ़ने वाले हैं और पार्टीज कैसे रिफॉर्म होती है ये भी हम पढ़ने वाले हैं राइट आउटकम्स क्या होते हैं डिमोक्रेसी के रिजल्ट क्या होते हैं ये चैप्टर तो डिमोक्रेसी के रिजल्ट जो है ये लास्ट में आना बनता ही था है ना उसके बाद हम देखें तो फिर डिमोक्रेसी के डिमोक्रेसी के साथ क्या चैलेंजेस है क्या प्रॉब्लम्स है वो भी डिस्कस करेंगे ओके सो हियर गोस योर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड कम्स दी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अब यह आपका इकोनॉमिक्स का सेक्शन है इसको हम कैसे कवर करने वाले हैं क्या क्या इसमें कवर करने वाले हैं वो डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहला चैप्टर है डेवलपमेंट देर इज नथिंग विदाउट डेवलपमेंट डेवलपमेंट तो हमें पढ़ना ही है, है ना फिर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी क्या है ओके okay, उसके कितने सेक्टर्स है कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो हम पढ़ने वाले हैं ओके मनी एंड क्रेडिट डेवलपमेंट की बात करें इकोनॉमिक्स की बात करें मनी एंड क्रेडिट की बात नहीं करें, तो फिर काम नहीं चलता है ना नहीं चलता ना ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी का वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में जो हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन जो है उसके अकॉर्डिंग उसके रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे तो ये सब कुछ जो है इसमें से मैंने जैसे कहा था आपको नथिंग इज रिड्यूस राइट फिर आपका कंज्यूमर राइट्स आता है कंज्यूमर राइट जो चैप्टर है ना आपका ये प्रोजेक्ट बेस्ड है ठीक है आपका जो प्रोजेक्ट बनेगा ना वो इससे बन सकता है ये आपके सिलेबस में गिव है ओके दैट कंज्यूमर राइट जो है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर उसके बेस पे आपका प्रोजेक्ट जो है वो बन सकता है राइट अब अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट वर्क इसके अंदर हमें दिया हुआ है टोटल मार्क्स हम देख सकते हैं फाइव मार्क्स है कंटेंट एक्यूरेसी ओरिजिनैलिटी कॉपीन नहीं होना चाहिए कंटेंट अच्छा होना चाहिए एक्यूरेट होना चाहिए प्रेजेंट कैसे करते हो उसके टू मार्क्स वाइवा आपका जो होगा वन मार्क्स ऑल दो इसके अंदर टोटल मार्क्स आ गए फाइव मार्क्स ठीक है तो ये आपके जो है ये एट्टी मार्क्स में अब इसमें कंफ्यूजन क्या रहता है बच्चों मैंने ये क्यों बताया है आपको क्योंकि इसमें कंफ्यूजन क्या रहता है कि मैम प्रोजेक्ट जो है वो टोटल हंड्रेड मार्क्स जो है आपके पीरियॉडिक मार्क्स जो आपके ट्वेंटी जाने वाले हैं है ना पीरियॉडिक यानी सेशनल ओके सेशनल मार्क्स जो है आपके वो ट्वेंटी जो जाने वाले हैं आपके उसमें से प्रोजेक्ट इंक्लूडेड है या 80 मार्क्स में प्रोजेक्ट आएगा तो बच्चों 80 मार्क्स का पेपर आपका स्पेसिफिक होगा ठीक है उसके अंदर आपका प्रोजेक्ट ऐड नहीं होगा प्रोजेक्ट इसमें होगा 20 मार्क्स वाले में ओके सो यस दिस इज़ हाउ योर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार क्लास होती है क्लास टेंथ और इसको और भी ज़्यादा मज़ेदार और इजी पीज़ी बनाने के लिए मैं आपके साथ हूँ सोशल साइंस में ओके okay, तो साथ में प्रेपरेशन करते हैं साथ में इसको और अच्छा बनाते हैं और बाकी क्लासेस भी लेते हैं इन सारे चैप्टर्स को क्लासेस के थ्रू पढ़ते हैं और बहुत सारे मार्क्स जो है लेकर आते हैं सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशन टेक केयर बाय